सोलन विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के परिवारवाद को लेकर लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। लोगों का आरोप है कि भाजपा और कांग्रेस की आपसी समझौते और सोलन से सांसद वीरेंद्र कश्यप, कांग्रेस के विधायक धनीराम शांडिल दोनों ही रिश्तेदार हैं और अब वहीं जो भी कैंडिडेट भाजपा चर्चा में है वो भी इन दोनों का रिश्तेदार है। ऐसा लगता है कि सोलन में भाजपा या कांग्रेस नहीं कोई परिवार राज कर रहा है, इसीलिए वे चाहते हैं कि सोलन की जनता कोई नया विकल्प देखे। लोगों ने रोष व्यक्त करते हुए बताया कि सोलन की जनता परिवारवाद से बाहर निकलना चाहती है। उन्होंने बताया कि केंद्र से लेकर जिला सोलन तक सत्ता की भूख परिवारवाद को जन्म दे चुकी है, लेकिन जनता काम और विकास चाहती है, इसलिए वे इस बार परिवारवाद नहीं चलने देगी और कर्मठ, ईमानदार और जुझारू उम्मीदवार को ही जिताएगी। उन्होंने कहा कि जिला सोलन में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन दोनों राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं, इसलिए जिला के युवा बदलाव का मन बना चुके हैं। Thank you.